आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बैरोमीटर इज फॉल्टी व्हेन ट्रू बैरोमीटर रीडिंग आर 73 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, द फॉल्टी बैरोमीटर रीड 69 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास तीन क्वेश्चन है इस पे। फर्स्ट, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ बैरोमीटर ट्यूब, बैरोमीटर ट्यूब की टोटल लेंथ कितनी होगी। तो ये हम निकालते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं डेंसिटी को रो, मर्क्यूरी की डेंसिटी को, और एरिया को ए। ए है हमारा एरिया और ये है मर्क्यूरी की डेंसिटी, प्लीज डेंसिटी। अब हमें पता है कि जो ऊपर ट्रैप्ड एयर होगी, जैसे हम पहले एक बार डायग्राम बना देते हैं इसका। तो जो पहला वाला केस है उसमें ऐसा होगा कि ये एक बैरोमीटर है और इधर पूरा भरा हुआ है एनजी मर्क्यूरी एचजी, और ये 69 सेंटीमीटर है और ऊपर जो लेंथ है ट्रैप्ड एयर की वो एक्स मान लेते हैं। और जो दूसरे केस में है, टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगी उसकी, तो जो ये वाली मर्क्यूरी की हाइट है वो हो जाएगी 70 और ऊपर वाला एक्स जो है वो हो जाएगा एक्स माइनस वन, क्योंकि ये एक सेंटीमीटर बढ़ चुका है, एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब ऊपर वाली प्रोसेस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर वाली प्रोसेस माने, जो ट्रैप्ड एयर है उस पर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मानी है। तो पहले वाले केस में जो हमें पता है कि पी नॉट होगा, जो ऊपर की प्रेशर होगा, पी नॉट जो बाहर का है, ये रो जी एच प्लस पी एयर होगा। तो पहले वाले केस में इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ए में रो जी इंटू 73 जो कि एक्चुअल प्रेशर है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो हो जाएगा रो जी इंटू 69 प्लस पी वन के। तो इधर से हमारा पी वन की वैल्यू आ जाती है रो जी इंटू 4, और जो दूसरा वाला केस है उसमें हो जाएगा रो जी इंटू 75 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और रो जी इंटू हमारे जो फॉल्टी बैरोमीटर की रीडिंग है वो है 70 इंटू 70 प्लस पी टू। तो इधर से हमारा पी टू निकल के आ जाएगा रो जी इंटू 5 के बराबर। तो पहले वाले केस में ऊपर वाली जो एयर है उसका प्रेशर पी वन है और दूसरे वाले केस में पी टू है, और हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस मानी है। तो उधर से आ जाता है पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, ये हम अप्लाई करेंगे। तो वो अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है रो जी इंटू 4 टाइम्स ए इंटू एक्स जो हमने लेंथ मानी है, वो आ जाएगा रो जी इंटू 5 इंटू ए इंटू एक्स माइनस 1। तो एरिया रो और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर से हमारे पास आ जाता है कि एक्स की वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर्स। तो हमारी जो टोटल लेंथ है बैरोमीटर की वो आ जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ बैरोमीटर 69 प्लस 5 जो कि हो जाएगा 74 सेंटीमीटर्स। तो ये हमारी टोटल लेंथ आ गई बैरोमीटर की। अब जैसे दूसरे पार्ट में बोला गया है, हमें दूसरे पार्ट में निकालना है व्हाट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रीडिंग व्हेन द फॉल्टी बैरोमीटर रीड्स 69.5 सेंटीमीटर, मतलब अब फॉल्टी बैरोमीटर है वो 69.5 सेंटीमीटर रीड कर रहे हैं, तो एक्चुअल रीडिंग कितनी है। तो हमें सीधा सबसे पहले पी वन वी वन बराबर पी टू पी थ्री वी थ्री अप्लाई कर देंगे, जहां पे वी थ्री की वैल्यू होगी वो होगी हमारी ए इंटू एक्स माइनस 0.5 जो हमारी हाइट जो हमने एक्स लिया था, तो ये हो जाएगी ए इंटू 4.5 हो जाएगी। हमें पता है अगर 69.5 रीडिंग ली है तो जो ट्रैप्ड एयर होगी उसकी होगी 74 माइनस 69, वो हो जाएगा 69.5, ये आता है 74 माइनस 69.5 करने से वो 0.5 एक्स का माइनस, ये पूरी वैल्यू होगी
74 माइनस 69.5 वो हो जाएगी 4.5। और अब हम P1 V1 बराबर P2 V2 अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा रो जी इंटू 4 इंटू ए इंटू 5 इज इक्वल टू P3 इंटू ए इंटू 4.5। ये अप्लाई कर देंगे हम, तो इधर से हमारा ए कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा P3 की वैल्यू आ जाएगी रो जी इंटू 4.44। इधर से ये वैल्यू आ जाती है हमारे P3 की। हम बाद में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि P0 बराबर रो जी एच, ये रो है एक्चुअली, रो जी एच प्लस पी एर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो उधर से हमें रो जी एच की वैल्यू आ जाएगी रो जी इंटू 69.5 प्लस जो वैल्यू है एयर की, एयर के प्रेशर की, वो है रो जी इंटू 4.4। तो एक्चुअल जो हमारा एच है उस केस में वो आ जाएगा 73.94 हमारा। ये आ जाती है एक्चुअल हाइट ओरिजिनल वाले बैरोमीटर में। अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं इसका, तो थर्ड पार्ट है व्हाट इज द फॉल्टी बैरोमीटर रीडिंग व्हेन ट्रू बैरोमीटर रीडिंग इज 74 सेंटीमीटर। अब 74 सेंटीमीटर ट्रू बैरोमीटर में रीडिंग है, तो हमें फॉल्टी बैरोमीटर में रीडिंग निकालनी है, तो वो हम निकालेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से। हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे P1 V1 बराबर P2 V2, उधर से हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टली सब टर्म्स कैंसिल करते हुए 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 74 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स हमने माना है जितनी हाइट है उतनी, जो फॉल्टी बैरोमीटर में हाइट है वो ही मानी है हमने एक्स। तो इधर से हमारा सिंपली एक्स 74 माइनस एक्स आ जाएगा रूट ऑफ 20 के बराबर, और इधर से हमारा एक्स निकल के आता है 69.528 सेंटीमीटर्स। ये हमारे फॉल्टी बैरोमीटर की रीडिंग जब एक्चुअल बैरोमीटर की हाइट 74 सेंटीमीटर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।